हेलो एवरीवन, मैं हूँ रुचि और डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मूंगफली की बर्फी। तो फिर आइए देखते हैं कि कैसे बनती है। मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए एक कप मूंगफली ली है, रोस्टेड मूंगफली है। पहले इन्हें कढ़ाई में रोस्ट कर लिया था, फिर इनके छिलके हटा दिए थे। आधा कप चीनी लेंगे और एक चौथाई कप पानी, जितनी चीनी होती है उसका आधा पानी लेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी मूंगफली है उनको हम एक मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे, पाउडर तैयार कर लेंगे। अब हम चाशनी तैयार करेंगे। तो एक पैन रख देंगे गैस पे, उसमें चीनी डाल दी और पानी डाल देंगे। और अब हम मूंगफली की बर्फी बनाने के लिए चाशनी तैयार करेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे चाशनी को तैयार होने में। अब हम अपनी चाशनी चेक कर लेंगे। तो थोड़ा कटोरी में पानी लेंगे, उसमें थोड़ी चाशनी डालेंगे और इस तरीके से आप देख सकते हैं गोली सी बनने लगेगी जब पानी में, तो समझ लीजिए कि हमारी चाशनी बनकर तैयार है। अब हम इसमें अपना मूंगफली का पाउडर डाल के 1 मिनट तक हम इसको और चलाएंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे। जब ये जो मिक्सचर है ये कढ़ाई जब छोड़ने लगेगा तब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तब इसको हम और चलाएंगे थोड़ी देर। आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिक्सर है वो कढ़ाई छोड़ने लगा है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हम मूंगफली की बर्फी जमाने के लिए एक प्लेट तैयार कर लेंगे। तो इसमें घी लगा देंगे और जो हमारा मिक्सचर है इसमें इसको डाल करके स्प्रेड कर देंगे इस तरीके से। और अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। पीसेस आप अपने मनपसंद कट कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगती इसको बनाने में और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें। बस हमारी बर्फी तैयार है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अब मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है हमारी बर्फी।